जरा सोचिए, एक युवक ने अपने हक की आवाज जरा जोर से क्या उठा दी, जिसको लेकर सांसद प्रहलाद पटेल को इतना बुरा लगा कि भरी भीड़ में दो लगाने की बात कह दी। सांसद महोदय, जरा सोचिए उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसे अपनी माँ के इलाज के लिए ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज के लिए भीख सी मांगनी पड़ रही हो। हमने आपकी चुनावी व्यवस्था देखी, वहाँ करोड़ों रुपए पानी से बहे, सीएम से लेकर पूरा मंत्रिमंडल एक एक घर की देहरी खौन खाए, और अब जब जनता सिसक रही है, भिलख रही है, मर रही है, तब आपकी व्यवस्था नीति कमजोर क्यों दिख रही है? सभी जिम्मेदार नेताओं व अधिकारियों से अनुरोध है कि व्यवस्थाओं को उचित बनाएं। वहीं जब रातों रात करोड़ों की सड़कें बन सकती हैं, खरीद फरोख्त हो सकती है, करोड़ों रुपए पंडाल में लग सकते हैं, हेलीकॉप्टर व्यवस्था से एक पैर भोपाल में तो एक दमों में रखा जा सकता है, तो क्या समान रूप से रातों रात जिले में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं लग सकती? क्या करोड़ों रुपए में अच्छे डॉक्टर नियुक्त नहीं हो सकते? नए अस्पताल का निर्माण नहीं हो सकता? हेलीकॉप्टर से समय से दवाइयां या इंजेक्शन नहीं आ सकते? अरे जनता से नहीं तो ईश्वर से डरो, आखिर मैं उसी के सामने तो मुंह दिखाना है। याद रखो, कोई अमर नहीं है, जीते जी जितना हो सके परोपकार कर लो, इसी में सबकी भलाई है। अरे जनता, आप लोगों से अमेरिका, दुबई या सिंगापुर जैसा विकास नहीं मांग रही, वो आपसे अपने परिवार के लिए दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन मांग रही है, और आप लोगों की इतना भी नहीं कर पा रहे हो, कितनी दुख की बात है। जनमानस की पीड़ा को समझकर मदद करने वाला जन नायक होता है मंत्री जी। ऐसा बोलेगा तो दुख खाएगा, हम खाएंगे भी, हमारी माता राम को वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या करना, तो सीख रखो, नहीं मना कर रहा है तुमको, मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर, सिलेंडर बोलो 5 मिनट चला, या तो मना कर दो। बाकी जगह पर रात में जो हमें एक बजे सब ठीक होगी, तो एक बार बता अपने आस पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770222999।